चलिए आज फिर सीखते हैं हम विसर्ग संधि का प्रथम नियम का अपवाद, यानी प्रथम नियम में जो था उसका अपवाद भी है, और उस अपवाद नियम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल सेम नियम है, बिल्कुल वही है मेल करने वाले हमारे वर्ण, वही व्यंजन, लेकिन जो है हमारे विसर्ग से पहले वाले में केवल चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उसकी बात इस वीडियो में करेंगे हम। क्योंकि इसके लिए मैंने अलग वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती और आप कहते कि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाते हैं, 10-15 मिनट की वीडियो बहुत होती है, ज़्यादा वीडियो हम सहन नहीं कर पाते टाइम वाली, तो मैंने इसलिए प्रथम नियम का जो अपवाद है उसको मैं अलग वीडियो में लेकर आपके सामने आया हूँ, ताकि आपको जो है अलग अलग पार्ट में जो है उसको अच्छी प्रकार से आप कर लें। देखिए क्या होता है हमारा प्रथम नियम का अपवाद। देखिए प्रथम नियम का अपवाद, विसर्ग का र हो जाना, जो हमारा विसर्ग है उसका जो है र हो जाना, और र भी कौन सा, हलंत वाला, हलंत वाला र में जो है हमारा विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। पर कैसे होगा देखिए, यदि विसर्ग से पहले पुनः और अंत शब्द आ जाए तो विसर्ग का र हो जाता है। पहले नियम में क्या था, यदि विसर्ग से पहले अ हो, केवल क्या था अ, यहां अ था केवल विसर्ग से पहले, अब यहां क्या है पुनः और अंत है, यहां पहले नियम में क्या था अ, केवल अ था, अब यहां पुनः और अंत है आ गया। दोबारा फिर सुन लीजिए, यदि विसर्ग से पहले पुनः और अंत है, इन दो शब्दों की बात कर रहे हैं हम, पुनः की और अंत की, शब्द आ जाए तो विसर्ग का र हो जाता है, पर र कौन सा, हलंत वाला, यानी आधा र हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सूत्र देखिए, यहां पुनः हो और यहां अंत हो विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद जो का तो वही नियम है, अ हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, अंतस्थ व्यंजन हो और हमारा ह हो, ये जो के तू है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन केवल यहां है, जहां अ था पहले नियम में वहां पुनः और अंत आ गया, इतना सा परिवर्तन है बस। लेकिन हमारे जो बाद वाला है, यानी द्वितीय शब्द के जो हमारे वर्ण है वो जो के तो है। ठीक है, हमारा पहला जो अतार नियम में क्या था, अ था, तीसरा, चौथा, पांचवा वही नियम था, अंतस्थ वर्ण थे हमारे चार, यार अलग और हमारा ह था। ठीक है, देखिए कैसे इसके शब्द बनेंगे, हमारा पहला ही शब्द है पुनः जमा मुद्रण। जब किसी चीज का मुद्रण किया जाता है और उसमें कोई कमी आ जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसका हम दोबारा मुद्रण करते हैं। ठीक है, अब आप यहां देखिए कि यहां विसर्ग से पहले क्या है, पुनः, ये हमारा रहना रह, ये बदल जाएगा आपका हलंत वाले र में, सॉरी विसर्ग, जो हमारा विसर्ग है वो आपका हलंत वाले र में बदल जाएगा, और ये बाकी सब जो हमारे, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये जो के तो रहेंगे और यहाँ भी जो का तो रहेंगे, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, पहले में क्या था, हमारा अ जो है वो गायब होता जा रहा था, यहाँ हमारा जो का त्यों रहेगा पुनः। ठीक है, अभी जो र है आप देख रहे हैं, र जो है इस म के ऊपर चला जाएगा और शब्द हमारा क्या बन जाएगा, पुनर्मुद्रण, यहाँ बन जाएगा, ये यहाँ पहुंच गए, क्यों, सहारा कौन देगा र को, र बेचारा बेसहारा है, इसके पास कोई स्वर नहीं है, तो सहारा उसको म देगा, और म के पास क्या है स्वर, ऊ, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ इसको सहारा देगा और इसको अपने कांधे पर बैठा लेगा। ठीक है, सहारा कौन देता हमेशा, पिछले वाला, पीछे कौन है इसके, ये इसको सहारा देगा। ठीक है, इसलिए इसको सहारा कौन देगा, ऊ, उसने सहारा दे दिया, इसको बन गया
पुनर्मुद्रण, क्या बन गया? पुनर्मुद्रण यानी दोबारा मुद्रण करें। ठीक है, आगे देखिए, बहुत छोटा सा नियम है, अपवाद था ये, इसको लेकर मैं आपके सामने आया ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ देखिए, ये हमारे आगे अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, यहाँ हमारा पुनः है विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद क्या है वो। अजी यहाँ तो हमें छोटी ही की मात्रा दिखाई दे रही है, आप ये कह रहे होंगे, तो चलिए इसका हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसका हम, वर्ण विच्छेद। ये निकल कर आया, यहाँ अ निकल कर आया, और यहाँ हमारा अ की ध्वनि आई। ठीक है, ये ऐसे कुछ इसका वर्ण विच्छेद हुआ। ठीक, आप देख रहे हैं कि आप वो का हो रहा है मेल, किससे? इससे मेल हो रहा है, ठीक है, पुनः से, विसर्ग से। तो हमारा विसर्ग कहाँ बदल जाएगा आपका, यो हलंत वाले र में, और बाकी हमारे शब्द जो हैं वो ज्यों के त्यों रहेंगे, इधर भी हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, फिर वही र कहाँ पहुंच जाएगा, छोटी ई की मात्रा के ऊपर, क्योंकि र अभी तरह बेसहारा, तो सहारा कौन देगा इसको, वो, और वो के पास क्या है, छोटी की मात्रा, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, पुनर्विवाह, ऐसा शब्द हमारा बनकर आ जाएगा, पुनर्विवाह। ठीक है, अगला शब्द देख लीजिए, और अच्छी प्रकाश समझ में आ जाएगा आपके। छोटे छोटे नियम हैं विसर्ग संधि के, भी आपको परेशान नहीं करेंगे। हमने पुणे वाले देख लिए, आप देखते हैं अंत है वाले। ठीक है, अंतर ध्यान, ठीक है, ये ध्यान नहीं होता, ध्यान, इसका आप ध्यान रखेंगे, ये ध्यान नहीं होता है, ध्यान होता है, अंतर ध्यान। ठीक है, देखिए हम मेल किसका कर रहे हैं, मेल हमारा हो रहा है अंत का और धय से। ठीक है, अब धय का हो रहा है, और र हमारा कहाँ मिल जाएगा, हमारा र में, यहाँ शब्द ये ज्यों का त्यों रहेगा, और ये हमारा अंत है भी ज्यों का त्यों रहेगा, ये ध के ऊपर चलाएगा र हमारा, और शब्द हमारा क्या बन जाएगा, अंतर ध्यान, ऐसा हमारा शब्द निकल कर आ जाएगा, अंतर ध्यान। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगले में थोड़ा सा विशेष परिवर्तन हो रहा है, देखिए कैसे हो रहा है। ये हमारा शब्द है अंत, यहाँ विसर्ग आ गया, और यहाँ हमारा आ गया अग्नि, क्या आ गया हमारा, अग्नि। ठीक है, मेल होना है हमारा इसका, तो ये हमारा इसका दोनों का मेल हो रहा है, तो र हमारा बदल रहा है, विसर्ग बदल रहा है हमारा इसमें, र में विसर्ग परिवर्तन कायम हो गया हमारा र में, ये हमारा जो कहते हो रहा अंत है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है इस र को जो है वो अ पूरा कर देगा। ठीक है, और शब्द हमारा क्या बने, देखिए अंतर अग्नि, ये हमारा शब्द बन जाएगा। अब की बार, अब की बार जो है र किसी के ऊपर नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि र को जो पूरा कर रहा है वो अ पूरा कर रहा है, तो अंतर अग्नि हो गया, क्या हो गया, अंतर अग्नि। ये सारे के सारे आप आसानी से कर सकते हैं, किसी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था अंतर जमा राष्ट्रीय, यानी अंतरराष्ट्रीय में कौन सी संधि है, तो आज इसको स्पष्ट हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय में जो है वो विसर्ग संधि है, और प्रथम नियम का अपवाद है। ठीक है, ये हमारा अंतरराष्ट्रीय यहाँ है, और यहाँ हमारा गया अंतर मन। ठीक है, इनको आप आसानी से कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत आए आपको तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, और एक कमेंट्स भी अवश्य कर दिया करें, ताकि मुझे थोड़ा सा एक टॉनिक के रूप में आपकी कमेंट्स में जो लिखते हो आप, उससे थोड़ा मुझे और बल मिले। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है कि हिंदी को ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं वो उसको वरीयता नहीं देते हैं, पर जब बड़े बड़े हमारे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ हमें हिंदी मात दे देती है, जिसको हम समझते थे
अरे हिंदी कुछ नहीं है। अरे चुटकियों में कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में है ही क्या? लेकिन हिंदी आपको पसीने छुड़ा देती है। आपने भी देखा होगा कि जब हिंदी के एग्जाम होता है तो हमें बहुत सारी गलतियां हम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको ठीक से नहीं पढ़ा, हमने वर्णमाला का अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, हमने स्वर और व्यंजन को अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ा है, हमने व्यंजन के वर्गीकरण को अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ा है, हमने स्वर के वर्गीकरण को अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ा है, हमने शब्दों के निर्माण की विधि, जो हमारी संधि, हमारा उपसर्ग, हमारा प्रत्यय, हमारा समास, हमने उसको अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट है हमारे भी अपने चैनल पर, आप उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। मैंने हर चीज की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वर्णमाला की अलग है, उपसर्ग की अलग है, प्रत्यय की अलग है, संधि की अलग है, स्वर संधि की अलग, व्यंजन संधि की अलग और विशेष संधि की अलग। तो आप उनका आसानी से मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको कहीं कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। और हिंदी को बिल्कुल भी आप ये ना समझे कि बहुत ही आसान है। हाँ आसान तो है, पर हिंदी जो हमारी वो वैज्ञानिक भाषा है, इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और वही बोला जाता है। इसलिए इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है और इसको इसी कारण जो है वैज्ञानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।